सविता मिश्रा। आज मैं जैसे और लोकेशन शूट पे हूँ, साक्षी के बैनर पे भी हमारा ये चल रहा है, तो और लोकेशन जो गाने का शूट हो रहा था, सो नाइस वाइज एंड लिरिक्स सॉन्ग के बहुत अच्छा लगा। और प्लस मूवी में क्या है वो तो हमारा मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, और ऐसे साक्षी मूवी में नहीं हूँ, एज ए मैं गेस्ट में आई थी। आज इनका थोड़ा सा शूट चल रहा था, मुझे भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना था, तो मैं ऑन लोकेशन आ गई। तो जो भी था बहुत अच्छा था, अच्छे से किया, और डायरेक्टर भी आर्टिस्ट भी सब बहुत अच्छे हैं। सो थैंक यू। हाँ, अभी मैंने एक फिलोरिया का मॉडल शो किया हुआ था, वो भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मेरे को गाइडेंस बहुत अच्छी मिल रही है, मेरे को टीचर्स बहुत अच्छे, मेरे फैकल्टी सारे अच्छे हैं। हमारी सोप मैम ने बहुत अच्छे से हम लोगों को गाइड किया मॉडलिंग में, और सर भी बहुत अच्छे थे, तो सारा चीज़ सब कुछ मिल के ही। अभी मैं स्टार्ट ही बहुत ज़्यादा मैं मतलब ऑन द फ्लोर नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा सुपर नहीं हूँ, बट मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो अभी चल रहा है सब कुछ। हाँ, हमारे दो तीन अभी प्रोजेक्ट लाइनअप पे चल रहे हैं, उसमें से एक वेब सीरीज़ है, मूवी है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगी। पर हाँ, जो भी कॉन्सेप्ट है हमारा बिल्कुल एंटी है, थ्रिलर है, हॉरर है, रोमांस है, फाइट है, तो इन दो मूवी में आपको मेरा कुछ अलग ही चेंज लुक मिलेगा, क्योंकि दस डिफरेंट, अभी मैं जैसे हूँ जिस टाइप से हूँ वैसा नहीं है, सेम डिफरेंट दस, लाइक जैसे कि गांव जैसा एक करेक्टर है मेरा उसमें, और सेकेंड मूवी में जस्ट अपोजिट सुपर मॉडल जैसा एटीट्यूड है। तो मेरे जो मूवी पे अभी जब जितने भी प्रोजेक्ट किए सब में मेरा डिफरेंट ही करेक्टर रहा है। सो थैंक यू सो मच। मैं बेसिकली तो कानपुर से बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश से, और अभी मैं मुंबई में ही रह रही हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गया मुंबई में, 9 से 10 मंथ ही हुआ है, बट मेरे को बॉम्बे से बहुत कुछ मिल रहा है, और मिला भी। बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ज़्यादा मुझे लोगों को समझने की मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल कर ली। आई एम 28 ईयर ओल्ड, तो मुझे एज के साथ एक्सपीरियंस भी है, तो मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। आपने खुद जो स्टार्टिंग किया उसके बारे में पूछेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ से और अब क्या करने वाली हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था भोजपुरी में, एज ए लीड रोल था, उसमें मेरा डबल रोल करेक्टर था, तो वो मैंने आज से 7 ईयर पहले किया था, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ और मेरा लुक भी कुछ चेंज है। भोजपुरी में पहले ऐसे ही चल रहा था, तो पर वो मेरा काम है इसलिए नो प्रॉब्लम, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगी। मेरी मूवी का नाम है हर्रादा रिवेंज ऑफ डेथ, जिसमें एज ए लीड रोल मैंने किया है, सेकेंड मतलब डबल रोल किया है, दो करेक्टर है सीता एंड गीता दस लाइक जैसा। तो उसमें मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कैमरे के सामने, पर आज भी कोई भी ट्रेलर देखता है या मूवी देखता है तो वो मेरी एक्टिंग की तारीफ ज़रूर करता है, इसलिए आई होप कि आप लोग भी उसको देखेंगे, वॉच करेंगे। तो स्टार के साथ काम करना पसंद करेंगे आप, अगर मिल जाए वो इतने बड़े स्टार के साथ, तो कौन होगा वो चेहरा? आदित्य को आप लाइक करते हैं? यस। और जैसे कि आप देखते हैं कि सुपर स्टार में दो तीन स्टार की होती है, उसमें कोई पसंद नहीं है आपको? नहीं, अभी इतना ज़्यादा मेरा बहुत एम नहीं है, बस मुझे एक्टर कोई भी हो, सेलिब्रिटी कोई भी हो, हमारा काम है काम करना, तो हम अपना काम सबके साथ करना चाहेंगे, बट जो एक फेवरेट का हुआ तो वो मैंने नाम दिया खा दी। आदित्य, कार्तिक नारायण आदित्य। थैंक यू सो मच। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।